जैसा कि माननीय सदस्य ने 1810 एकड़ जो कासन कुकरोड़ा और सरावण गांव की तहसील मानेसर की जमीन की रिलीजिंग की बात कही है, माननीय सदस्य खुद पढ़े लिखे वकील हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें एक्विजिशन प्रोसेस को आगे ले जाना पड़ेगा। पिछले दिनों वहाँ के लोकल्स भी अलग अलग डेलीगेशन पे मुझे भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले और वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज करना पॉसिबल नहीं है और हमारे को डायरेक्शंस भी है कि आगामी 17 अगस्त तक जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। तो 16 से पहले जो एक्विजिशन की आगे की प्रोविजंस है उसको हम टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर बिल्कुल सरकार विचार कर रही है कि उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान बनाया जाए। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय जो एक्विजिशन रेट वहाँ पर था कांग्रेस के शासन में 2011 में और जिस तरीके से एक्विजिशन करेगी वो हैपेजर्ड वे में थी और बिल्कुल उसका आज के करंट मार्केट रेट में बहुत बड़ा अंतर है। तो ज़रूर मेरी और माननीय मुख्यमंत्री की भी इस पर कई बार चर्चा हुई और मैं चाहूँगा कि एक ओएसटी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनाउंस भी कर दें जिसको हम फिर आगे टेक फॉरवर्ड कर जो नुकसान वहाँ के लोगों को इस पूरे पीरियड में हुआ, जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होगा उनका, जो उनको अल्टरनेट प्लॉट्स देने हैं और देने हैं, उसके अंदर हरियाणा सरकार उनको ज़रूर उसकी भरपाई किसी ना किसी तरीके से करवाने का काम करे।